हेलो गाइस, दिस इज़ बीके माथुर, मैथमेटिक्स टीचर। स्ट्रेट लाइन वीडियो नंबर 1, इसके अंदर आप पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, डिस्टेंस फॉर्मूला जो 10th क्लास में थे। स्लोप का कॉन्सेप्ट नया आएगा। स्लोप निकालने के 5 मेथड होते हैं, लेकिन 11th में सिर्फ 4 हैं, एक 12th क्लास में बताऊंगा, ठीक है। कंडीशन आएंगी जब लाइंस पैरेलल या परपेंडिकुलर होती हैं और एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो, ज्योमेट्री स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्मूले पहले पेपर पर लिख लेना, जो जो फॉर्मूले इसके अंदर आते जाएँ, और वीडियो के साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करना। अगर फॉर्मूले नहीं लिखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है स्ट्रेट लाइन। तो दिस टॉपिक इज स्टार्टिंग ऑफ ज्योमेट्री इन 11th क्लास। यहां से आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देखिए, अगर ज्योमेट्री की बात होती है तो एक होता है 2D, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, जहां x और y एक्सिस होते हैं, कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा होता है x, y। और एक होता है 3D, जहां पर x कोऑर्डिनेट भी होता है, y कोऑर्डिनेट भी होता है, और z मतलब x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस होते हैं, और कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है। तो स्ट्रेट लाइन यहां पर भी होता है और स्ट्रेट लाइन 3D के अंदर भी होता है, ठीक है। ये जो 3D के अंदर स्ट्रेट लाइन होता है, ये आप पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर। तो अभी हम 2D के अंदर ही रहेंगे और स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए अगर आपको 3D में भी अपनी परफेक्शन बनानी है तो, ठीक है। तो देखो, ज्योमेट्री पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट। जब तक आप कॉन्सेप्ट याद नहीं रखेंगे, आपके पास फॉर्मूले नहीं होंगे, तब तक ये न्यूमेरिकल आपसे हो नहीं पाएगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, हालांकि हर एक कॉन्सेप्ट का डेरिवेशन भी है, हर एक कॉन्सेप्ट का प्रूफ भी है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में कोई प्रूफ नहीं आता। तो आपको बस ये याद रखना है और इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है। अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो उसके लिए अलग वीडियो में बना सकता हूं, ठीक है, आप मुझे बता देना। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कोई नई बात नहीं है, ये आप 10th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। सपोज करो आपके पास कोई ट्रायंगल है, इसका फर्स्ट वर्टिसेस x1, y1 है, दूसरा वर्टिसेस x2, y2 है, और थर्ड वर्टिसेस x3, y3, और आपको निकालना है इसका एरिया। एरिया को रिप्रेजेंट यहां पर करते हैं डेल्टा से, ठीक है। डेल्टा बोलो या एरिया बोलो, बात एक है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2, यहां पर लेते हैं x1, इधर y2 - y3, प्लस यहां पर लेते हैं x2 और इधर y3 - y1, एंड हियर वी टेक x3 एंड हियर y1 - y2, ठीक है। ये फॉर्मूला नया नहीं है, ये फॉर्मूला वही है जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। तो पहला कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ध्यान रखना ये पूरा मॉडुलस में रखा जाता है। मॉडुलस का मतलब ये है कि एरिया अगर नेगेटिव आ भी जाए तो भी हम उसे पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये मॉडुलस आप लगाओ या ना लगाओ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रिजल्ट अगर नेगेटिव आए तो भी वी विल टेक दैट एज पॉजिटिव। कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी आप 10th क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, तो मैं बहुत ही बेसिक लेवल से इस चैप्टर को उठा रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये भी टॉपिक आपको अच्छे से आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके अंदर क्या होता था, दो पॉइंट होते हैं, एक इनिशियल और एक टर्मिनल। पहला पॉइंट है x1, y1 और दूसरा वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2। यू नीड टू फाइंड डिस्टेंस ए बी। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं लाइक दिस, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर अब न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे ने अगर इसको लिख दिया x1 - x2 का स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक है। रीजन, क्योंकि देखो x2 में से x1 लेस हो या x1 में से x2 लेस हो, ऊपर तो स्क्वायर है ना, अंदर अगर नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आए, स्क्वायर तो उसे पॉजिटिव बना ही देगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर न्यूमेरिकल आ रहे हैं आपके सामने अब, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूं, तीसरा कॉन्सेप्ट भी आपको मालूम है 10th क्लास में आप पढ़ते आए हो। इसको बोलते हैं बेसिकली, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम की, PT की। तो यहां पर होता है क्या, b² + p² = h². तो यानी अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई जो आप ना जानते हो, ये सारी बात 10th क्लास के अंदर थी, ठीक है। न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहे हैं। गाइस, दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टिजन प्लेन। कार्टिजन प्लेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। जो ग्राफ आप 10th में बनाते आए हैं उसी को कार्टिजन प्लेन कहा जाता है। हुज वर्टिसेस आर दिस 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 दिस, चार वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले कार्टिजन प्लेन में इसको ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसने कहा एरिया बताओ। तो ध्यान से देखो, ये मेरा कार्टिजन प्लेन में यहां बना रहा हूं, ठीक है। दिस इज एक्स एक्स डैश, दिस इज वाई एंड वाई डैश। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेरा ड्रॉ हो चुका है। अब इसके अंदर पॉइंट हम करते हैं प्लॉट। पहला पॉइंट है -4, 5।
तो माइनस फोर यहां कहीं होगा, फाइव यहां कहीं होगा, आईडी से मैंने ले लिया, ठीक है, मेजरमेंट मैंने नहीं किया, आईडी से ले लिया वन टू थ्री फोर और फाइव। तो आप भी इस तरह से कॉपी के अंदर आईडी से बना सकते हो। तो इसका नाम रख दीजिए आप माइनस फोर कॉमा फाइव ए पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका है जीरो कॉमा सेवन, तो जीरो यहां पर है, सेवन यहां कहीं होगा आईडीए से, तो इसका नाम बी पॉइंट रखिए जीरो कॉमा सेवन, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका है फाइव माइनस फाइव, फाइव यहां कहीं होगा, माइनस फाइव यहां कहीं होगा, इसका नाम आप सी रख दीजिए फाइव कॉमा माइनस फाइव, ऑल राइट, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है माइनस फोर कॉमा माइनस टू, माइनस फोर पॉइंट यही था क्योंकि इसके ऊपर फाइव गया था, तो माइनस फोर कॉमा माइनस का टू यहां कहीं ये पॉइंट होगा, इसका डी नाम रखिए आप माइनस फोर कॉमा माइनस का टू। इनको आप मिला दीजिए, देखिए ए से बी मिलाया, बी से मैंने सी मिलाया, ठीक है, और सी से डी मिलाया और ए से डी मिलाया, तो आपका बन गया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यानी पहला टास्क हमारा पूरा हो गया। अब इसने हमसे कहा एरिया बताओ उसका, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं क्वाड्रिलेटरल को लाइक दिस, ठीक है। तो देखो दो पार्ट इसके बन चुके, एक पार्ट मेरा ये रहा जिसका नाम है ए बी डी, ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक पार्ट आप देख सकते हो, एक पार्ट आपका ये रहा, ठीक है, जिसका नाम है बी सी डी। लेकिन आप ध्यान रखना अगर एरिया नेगेटिव आए तो अभी हम उसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अब मैं यहां पे निकालता हूं सबसे पहले एरिया ऑफ ए बी डी, ठीक है, ये मेरा एक्स वन वाई वन होगा, ये मेरा एक्स टू वाई टू होगा, ये मेरा एक्स थ्री वाई थ्री होगा। तो एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है वन अपॉन टू, ठीक है, एक्स वन, एक्स वन की जगह आपको मालूम है माइनस का फोर रखा जाएगा, ठीक है, ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, और अंदर मैं रखूंगा सेवन प्लस टू, ओके, इसके बाद प्लस का जीरो आएगा, फिर माइनस टू माइनस फाइव, इसके बाद माइनस का फोर, फिर फाइव माइनस सेवन, ये आगे समझ, ये x1, ये y1, ठीक है, सॉरी x1 हो गया, ये x2 हो गया और ये x3 हो गया। देखो ना ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, फिर ये y1, ये y2 और ये y3, फॉर्मूले की सेटिंग के हिसाब से सारी वैल्यू रख दी। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया माइनस का 14, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप यहां पे लिखोगे एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप इसे पॉजिटिव 14 कंसीडर करोगे। ये तो अभी एबीडी का आया, इस ब्लैक वाले पार्ट का, अभी हमें रेड वाले पार्ट का भी निकालना है, ठीक है। तो अब निकालूंगा मैं एरिया ऑफ व्हाट, बी सी डी, तो बी सी डी का एरिया भी निकलेगा, इसको मैं बोल देता हूं एरिया वन, इसको बोल देता हूं एरिया टू। फॉर्मूला अगेन वन अपॉन टू, और फॉर्मूला वही रहेगा एक्स वन यहां पर और यहां पर सारा फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट। तो जी ये आएगा आपका कितना, पहला तो हो जाएगा जीरो, मैं कर रहा हूं डायरेक्ट फाइव माइनस टू माइनस सेवन माइनस फोर और सेवन प्लस फाइव, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर जो आएगा वो माइनस का आएगा 93/2, लेकिन आपको मालूम है एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आप इसको प्लस का ही कंसीडर करोगे अगले स्टेप में 93/2, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, अब निकालोगे फाइनल आंसर, मैं यहां लिख रहा हूं, जगह नहीं बच रही मेरे पास, तो मैं लिखूंगा एरिया इज इक्वल टू वॉट ए वन प्लस ए टू। तो A1 और A2 को अगर मैं ऐड करता हूं 14 और 93/2 को एलसीएम लेने के बाद 121/2 मेरा आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, लाइक सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो भी है, तो स्क्वायर यूनिट लिखना है आपको, ठीक है। तो दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर टू देखो क्या कहता है, बोल रहा है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द वाई एक्सिस। इसका मतलब अगर डायग्राम बनाया जाए तो कुछ इस टाइप से बनेगा, देखो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ऑलराइट, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। इसने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस वाई एक्सिस पर है, यानी ये इसका बेस है, सपोज करो ए यहां से लेके यहां तक ये इसका बेस है, ठीक है, और ये पूरी जो लेंथ है ना ये 2a है। सोचो अगर यहां से लेके यहां तक अगर इसकी लेंथ 2a होगी पूरी, ये 2a होगी, तो ये वाला पार्ट तो a होगा और ये वाला पार्ट भी a होगा, क्योंकि ये बिल्कुल मिडिल टर्म माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, अलोंग द वाई एक्सिस सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन, कहा हुआ है इसने कि मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन पर है, तो इसलिए ए और ए ये पार्ट हो गया। आगे इसने कहा है फाइंड वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के वर्टिसेस बताओ, यानी ये इसका बेस है। अब ट्राइंगल मेरी मर्जी है, मैं चाहे ऐसे करके बना सकता हूं लाइक दिस, ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप इसे इस साइड बना सकते हो या आप इसको इस साइड भी बना सकते थे, क्योंकि यहां कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो आपकी मर्जी होती है, ऑलराइट।
अच्छा जी, आप इसका नामकरण कर देते हैं। देखो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ पूरी 2a होगी। रीजन, क्योंकि इक्विलेटरल की सारी साइड इक्वल होती है। ये वाली लेंथ भी कितनी होगी? ये वाली लेंथ भी 2a होगी। ये राइट एंगल हो गया ट्राइंगल, ठीक है। नेमिंग दे देते हैं, ये ए पॉइंट हो गया और ये आपका बी पॉइंट हो गया और ये आपका सी पॉइंट हो गया। देखो ए पॉइंट के वर्टिसेस तो मुझे मालूम है ना। देखो ये रे वर्टिसेस, यानी 0, a, ये तो हो गया ए का वर्टिस। बी का भी मुझे मालूम है, ये रहा देखो नीचे की तरफ, ये हो गया 0, -a। माइनस क्यों? क्योंकि नेगेटिव की तरफ जा रहा है। लेकिन सी के वर्टिसेस मुझे नहीं मालूम, सी आई डोंट नो, क्योंकि देखो ये लेंथ मुझे नहीं पता कितनी है ना, ये लेंथ नहीं मुझे मालूम। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ए, इसका नाम ओ रख देते हैं, ए ओ सी में अगर आप जाओ तो ए ओ सी क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं ऐसे करके बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस लग गई, यानी ये वाली साइड का स्क्वायर, ये वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब इसके अंदर ओ ए कितना है, ओ से लेके ए तक, वो ए है तो पुट कर दो, ए स्क्वायर हो गया। ओ सी हमें नहीं मालूम, और ए सी कितना है, 2a, तो ये हो गया 4a का स्क्वायर। तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3a का स्क्वायर। तो ओ सी इज इक्वल टू आ गया, स्क्वायर ऊपर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 3a स्क्वायर, और ये बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 3 और a, ठीक है। अंडर रूट के अंदर 3 रहेगा, सॉरी a बाहर निकल जाएगा क्योंकि 3 का अंडर रूट नहीं होता। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि देखो ट्राइंगल अगर ऐसे बना है तो प्लस ले लेंगे, ट्राइंगल ऐसे भी तो बन सकता था तो नेगेटिव भी हो सकता था, ठीक है। तो यानी आपका ये जो डिस्टेंस है ये आ गई रूट 3a, पॉजिटिव ये वाली को डिनोट कर रही है, और नेगेटिव अगर ट्राइंगल ऐसे बनता तो उसको, ठीक है। तो जितना ये आ गया समझ लो इसके वर्टिसेस आ गए भाई। एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट ये निकल के आया अभी अभी OC, जितनी इसकी डिस्टेंस होती है उतना ये होता है, तो इसे लेंगे हम रूट 3, a। और वाई एक्सिस तो, और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा यहां पर, ठीक है। माइनस मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूं, लेकिन आंसर में मैं नेगेटिव भी लिखूंगा क्योंकि ट्राइंगल उधर भी हो सकता था। तो आपका जो आंसर है वो ये निकल के आए वर्टिसेस जो इसने हमसे मांगे हैं। पहला वर्टिसेस तो डायरेक्ट निकल गया था 0, a, दूसरा भी डायरेक्ट निकल गया था 0, -a, और तीसरा ये रहा प्लस माइनस रूट 3a और -0, ठीक है। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि प्लस में है तो प्लस का लेंगे, और ट्राइंगल अगर ऐसे बनता तो नेगेटिव, तो दोनों केस आपको लेने पड़ेंगे। डायग्राम दिखाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम एक से एक बात बन जाएगी, ठीक है जी। चलिए गाइस, दो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू व्हेन फर्स्ट पार्ट पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो फर्स्ट पार्ट मैं आपको खाली बताऊंगा, देखो ये मेरा कुछ इस टाइप से है, ठीक है। ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है। इसने कहा है पी क्यू वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी कुछ इस टाइप से कोई पॉइंट रहा होगा, ठीक है। ये मेरा सपोज करो पी पॉइंट है जो एक्स वन कॉमा वाई वन है, और ये सपोज करो क्यू पॉइंट है जो एक्स टू कॉमा वाई टू है, ठीक है। तो देखो ये पी क्यू वाली लाइन y एक्सिस के साथ पैरेलल है, ओके। इस तरह से मैंने डायग्राम बनाया अपने लिए, क्योंकि देखो x1, y1, x2, y2 हमें नहीं मालूम एक्चुअल में क्या है, तो हम खाली डायग्राम आइडिया से बना रहे हैं कि PQ की लाइन जो भी रही होगी, कितनी भी बड़ी रही होगी, वो इसके पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब भी कोई लाइन, जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो तो सेम ही रहेगा, देखो ऊपर तक, है ना, क्योंकि x यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे y चेंज हो रहा है। देखो y की हाइट बढ़ती जा रही है, बट x कोऑर्डिनेट अपनी जगह इंटैक्ट है। इसका मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ हेयर x1 और x2 इक्वल है, देखो ना, जो x1 है, क्योंकि देखो p पॉइंट है x1, y1, तो ये वाला पॉइंट तो x1 होगा, और q पॉइंट है x2, y2, और इसी लाइन के ऊपर है, तो यही वाला पॉइंट x2 भी होगा। तो x1, x2 इसी पॉइंट को बोला गया है। y1 बदलता जा रहा है, y1 की हाइट ये रही, फिर y1 बढ़ता जा रहा है, वो y2 बन गया, इस तरह से। तो PQ को डिस्टेंस फार्मूला से निकाल देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपको आता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखो ये तो जीरो हो गया, रीजन x1 = x2, तो x1 और x2 जब इक्वल होंगे और माइनस होंगे तो जीरो, और ये रूट से बाहर निकलेगा क्योंकि ये तो हो गया देखो जीरो, मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये जीरो हो गया और ये y2 - y1 का स्क्वायर बचा और रूट से बाहर निकला, तो y2 - y1 आया। इसको ऐसे मत लिखना, आप इसको लिखना मॉडुलस के अंदर। मॉडुलस के अंदर मतलब कि अंदर से अगर नेगेटिव आए तब भी पॉजिटिव कंसिडर किया जाए, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये हो गया पहला पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट आप इसको खुद ट्राई करो, सेकंड पार्ट आप खुद देखना। उस केस में लाइन हो जाएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, और कोई लाइन जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो y1 = y2 होता है। कैसे होता है दिमाग लगा के देखना आप, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला।
दैट इज फोर। अब क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा, लेट पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो वो एक्स कॉमा जीरो होगा। रीजन, एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट तो होता है लेकिन वाई जीरो हो जाता है। फिर इसने कहा विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। ऐसा क्वेश्चन टेंथ क्लास में आप देख चुके हो एक्स्ट्रा में, ठीक है। यानी ए पॉइंट को नाम दिया मैंने 7.6 और बी को नाम दिया मैंने 3.4। इसने कहा है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी है ना, इक्विडिस्टेंट, यानी जो पी की दूरी ए से है वही पी की दूरी बी से है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना आता है, लगा दीजिए, एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस 0-6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां भी आप लगा सकते हो, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0-4 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड वगैरह होगी और क्वेश्चन वगैरह सॉल्व होगा, तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज निकल के आएंगी आपकी एक्स की, वो निकल के आएगी 15/2। अब ये कैसे निकल के आया, ये सी वाई एस है, सी वाई एस बोला तो कंप्लीट यूर सेल्फ, अपने आप कैलकुलेशन को करें। तो आपका जो पॉइंट था पी वो आ गया एक्स कॉमा जीरो होना चाहिए था, तो एक्स की वैल्यू आ गई 15/2, 0। दिस इज द आंसर, ठीक है। लॉजिक मैंने पूरा बताया है, कैलकुलेशन आप खुद करना, ओके जी। तो चार क्वेश्चन हो चुके, नया कॉन्सेप्ट आ गया, इस कॉन्सेप्ट का नाम है स्लोप, ठीक है। स्लोप समझते हो, स्लोप का मतलब होता है इंक्लाइंड प्लेन। जैसे फ्लाईओवर पे ऊपर हम जाते हैं तो ढलान होती है ना, स्लोप इस टाइप से। जैसे मान लो मैं आपको बना के दिखाता हूं, अगर जैसे ये है, देखो ये इसकी स्लोप है, ये स्लोप है इसकी, ठीक है, ये कोई एंगल है थीटा, तो स्लोप होती है। तो स्लोप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कर्व के अंदर और ज्योमेट्री के अंदर, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो देखो स्लोप निकालने के पांच मेथड होते हैं। पहला होता है पॉइंट पॉइंट मेथड, ठीक है, इसका नाम है स्टैंडर्ड नाम इसका पॉइंट पॉइंट मेथड, ये इसका नाम है, राइट। इसमें क्या है, दो पॉइंट आपको दिए होंगे, पहले पॉइंट का नाम होगा x1, y1 और दूसरे पॉइंट का नाम होगा x2, y2। तो स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है स्टैंडर्ड m से, स्लोप का नाम m से रखा जाता है। रखने को कुछ भी रख लो लेकिन बुक्स के अंदर जहां भी स्लोप की बात होगी वहां m बोला जाएगा उसे। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है y2-y1/x2-x1। तो ये फॉर्मूला यूज जब होगा जब आपको दो पॉइंट दिए होंगे, ठीक है, तो याद रखना है। दूसरा मेथड है कोएफिशिएंट मेथड, ठीक है, कोएफिशिएंट मेथड बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होगा, आपको एक लीनियर इक्वेशन दी होगी लाइक दिस, ax + by + c = 0, और स्लोप निकालने को बोला जाएगा। अगेन स्लोप को मैं बोलूंगा m से और फॉर्मूला होगा माइनस, यहां लिखूंगा मैं कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, इस तरह से लिखा जाता है, मतलब x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, बाहर माइनस रहना ही है। तो बताओ x का कोएफिशिएंट क्या है, a, और y का कोएफिशिएंट क्या है, b, तो -a/b। इस फॉर्मूले को ना इस तरह से याद मत रखना, इसको आप इस तरह से याद रखना, ठीक है, जेन्युइन फॉर्मूला। अच्छा पॉइंट नंबर तीन, थर्ड होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, ये भी स्लोप का फॉर्मूला है। इसमें देखो लाइन कुछ ऐसी होती है y = mx + c, y = mx + c, इस टाइप से आपकी लाइन होती है। तो इसमें जो स्लोप होता है ना वो m होता है, मतलब x का कोएफिशिएंट, ठीक है, और ये c क्या होता है, c होता है y इंटरसेप्ट का मतलब है, y इंटरसेप्ट को c बोलते हैं कि लाइन ने y एक्सिस को कहां पर कट किया है, ये c है हमारा, ठीक है। अच्छा जी बात आती है पॉइंट नंबर फोर की, फोर होता है आपका थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, ये बड़ा चक्कर है एंटी क्लॉकवाइज का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सपोज करो ये चीज है कोई, ओके, और ये कोई लाइन है, तो देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे करके जाना है, ए ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो थीटा होगा ना ये, तो हमें स्लोप मिलेगी m = tan θ। स्लोप को बार बार बोल रहा हूं, m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ जाना है, देखो इस तरफ एरो ध्यान से दिख रहा होगा, इस तरफ अगर मान लो लाइन कुछ ऐसे है तो देखो ये वाला एंगल लेंगे थीटा, तो स्लोप m = tan θ होगी, ओके। एक पांचवा मेथड भी होता है, पांचवा मेथड 12th क्लास के अंदर मिलेगा, 11th क्लास के अंदर वो नहीं है, तो इसके लिए आप 12th क्लास की मेरी वीडियोस को देखना, ओके। चलिए जी अब देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल। अभी तो मैंने आपको बताया स्लोप निकालने के चार मेथड होते हैं, एक्चुअल में पांच होते हैं लेकिन पांचवा मेथड 12th में मिलेगा। तो ये चार मेथड में से कौन सा कब लगेगा ये आपको याद रखना है। जैसे अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं तो ऑफकोर्स पॉइंट पॉइंट लगेगा, ये तो लगेगा नहीं। अगर आपको थीटा दे रखा है तो ये तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना क्या दे रखा है, रिसोर्सेस क्या है, उसके बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा जी। गाइस एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं पहले। कह रहा है फाइंड स्लोप ऑफ लाइन
एक लाइन की स्लोप बतानी है विच पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। यानी अगर मैं डायग्राम बना के देखूं तो कुछ इस टाइप से बन रहा है, यानी कोई लाइन यहां से पास हो रही है, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। और एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0-4 और 8,0, यानी जो पी और बी से कोई लाइन है उसके मिड पॉइंट पे जाके टकरा रही है। तो 0-4 कहां होगा, 0-4 यहां कहीं होगा अंदाजे से, तो इसका नाम दे दो पी 0-4, ठीक है। और बी कितना है 8,0, वो यहां कहीं होगा, इसको नाम दे दो बी 8,0। ये कोई लाइन सेगमेंट है लाइक दिस, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, इसको ए नाम दे दो, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1, ये x1, ठीक है, प्लस x2 डिवाइड बाय 2, यानी 0 और 8 को ऐड करो, 8 ही आएगा, डिवाइड बाय 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है y1, ये देखो y1 है और ये क्या है y2, तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, तो -4 और 0 को ऐड करो -4 और डिवाइड होगा तो माइनस का 2, तो ये ए इसका मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। और लाइन हमारी जो जो निकालने वाली लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, ये ओरिजिन है जिसको 0,0 बोला जाता है, इसका नाम हमेशा ओ रखते हैं। तो देखो ये जो लाइन है ना, ये ओ ए, ये जो बन के आई लाइन ओ ए, इसकी स्लोप निकालनी है, इसकी स्लोप वी नीड टू फाइंड, ओके। तो दो पॉइंट हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो आप निकाल सकते हो। तो पहले यहां पे आप बता देना कि आपने मिड पॉइंट निकाला इधर, तो आप इधर लिख देना मिड पॉइंट ऑफ पी बी, ठीक है, ए, वो ऐसे करके 0+8 डिवाइड बाय 2 कॉमा -4+0 डिवाइड बाय 2, जो कि निकल के आता है कितना 4, -2, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। फिर बता दो स्लोप ऑफ ओ ए, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2-y1/x2-x1। बात आती है कि यही क्यों लगा भाई, पॉइंट दो पॉइंट अवेलेबल है, तो जब दो पॉइंट है तो पॉइंट वाला ही फॉर्मूला लगेगा। इसे बोल दो x1 y1, इसे बोल दो x2 y2, तो आपकी स्लोप निकल के आएगी -2-0, -2 में से 0 गया और 4-0 यानी -0.5, दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, डरना नहीं बिल्कुल भी, नया कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। देखो ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नया कॉन्सेप्ट है। इसमें दो बातें हैं, एक तो क्या है, जब दो लाइन पैरेलल होंगी, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, जब दो लाइन पैरेलल होंगी या फिर कोलिनियर होंगी, ध्यान रखना यहां पे ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होते थे। पैरेलल का मतलब है लाइक दिस, ठीक है, कोलिनियर का मतलब है एक के ऊपर एक और लाइन, तो ये भी एक तरह से पैरेलल की कंडीशन में ही माना जाता है। तो दो लाइन है तो दो स्लोप भी होंगी, तो जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप हमेशा इक्वल होगी, ये बात आप ध्यान रखना। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप विल बी इक्वल, पैरेलल बोले या कोलिनियर बोले स्लोप को इक्वल रखना है। नंबर टू, सेकंड पॉइंट आ गया, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, और कभी कभी वर्ड लिखा होता है ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल का मतलब भी परपेंडिकुलर होता है, ये एक्स्ट्रा वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर बात एक है। तो जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप का मल्टीपल हमेशा -1 होगा। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, किस तरह से आपको दो लाइन दे देगा और बोलेगा प्रूफ करो ये पैरेलल है, तो दोनों लाइनों की स्लोप निकालो, दोनों स्लोप इक्वल आएंगी तो प्रूफ हो जाएगा। या फिर आपको स्लोप दे देगा और बोलेगा लाइंस पैरेलल हैं, तो कुछ पूछेगा एक्स बताओ या के बताओ, तो आपको याद रखना है ये बात, ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी अगर ऑर्थोगोनल है या परपेंडिकुलर है, दोनों का मतलब एक है, तो दोनों की स्लोप का मल्टीपल -1, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, सपोज करो आपको तीन पॉइंट दे दिए ए बी और ये सी इस टाइप से, और आपको बोला है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, तो इसका मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इनडायरेक्टली मैं इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करूंगा। कैसे, देखो स्लोप ऑफ ए बी, ए बी की स्लोप को मान लूंगा मैं m1 और बी सी की स्लोप को मान लूंगा मैं m2, बी सी बोलो या ए सी बोलो, और m1 और m2 को इक्वल रखूंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर, कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास तक काम में आने वाला कॉन्सेप्ट है ये। देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल स्टेप से भी आता है, आपको बोलता है कि भैया प्रूफ करो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, प्रूफ करो, और आपको उनकी स्लोप दी होती है, तो आपने स्लोप निकाली और उनका मल्टीपल किया, और उनका मल्टीपल करने से आंसर -1 आ गया, इसका मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएंगी। तो क्वेश्चन उल्टा सीधा आपसे पूछ सकता है, आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए तीन क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, 6, 7 और 8। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसने लिखा है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना, शो दैट, पॉइंट आपको दिए हुए हैं इसने, ठीक है। पहला पॉइंट है 4,4,
और दूसरा पॉइंट आपका 3.5 और तीसरा पॉइंट आपको इसमें दिया हुआ है -1.-1। तो इसने कहा शो दैट दीज आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस प्रूफ करने हैं, और पाइथागोरस का यूज नहीं करना। अगर पाइथागोरस का यूज करना होता तो हम यहाँ पे लगा देते पाइथागोरस थ्योरम, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये निकालते ये निकालते ये निकालते, फिर पाइथागोरस में रखते हो, प्रूफ हो जाता। ऐसा क्वेश्चन टेंथ में आप कर चुके हो, लेकिन यहां पर स्लोप का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो भाई देखो, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है ना। इसका मतलब हम स्लोप निकाल के अगर ऐसा कुछ प्रूफ कर दें कि m1 × m2 = -1, यानी दो स्लोप की मल्टीप्लाई अगर -1 आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि m1 और m2 वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर प्रूफ हो गया तो उसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ही दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इसको यहां स्लोप की हेल्प से करना है, क्योंकि पाइथागोरस मना कर रखा है। तो एक काम करते हैं, स्लोप निकाल देते हैं ए बी की पहले, उसको नाम दे देंगे m1 का। स्लोप का फॉर्मूला y2 − y1 / x2 − x1, ठीक है जी। डालो ये x1 y1, ये x2 y2, तो ये आ गया 5 − 4 3 − 4, 5 − 4 1 हो गया, 3 − 4 − 1, तो -1 आंसर आ गया, ठीक है जी। अब निकाल देते हैं स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। बी सी को बोल देंगे हम m2, स्लोप को m बोला जाता है, अलग अलग लाइन है इसलिए m1 m2 बोल रहे हैं। फॉर्मूला वही रहेगा y2 − y1 / x2 − x1। अब की बार यूज होगा ये x1 y1 है और ये x2 y2, क्योंकि बी सी की बात हो रही है, पहला x1 y1 बाद वाला x2 y2। चलो पुट करो, -1 में से -5 गया, -1 -5, और इधर -1 में से -3 गया, -1 -3, ये हो गया -6, ये हो गया -4, यानी 3/2 आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ ए सी, ए सी की स्लोप निकालते हैं, उसे बोलेंगे m3, ठीक है जी। m3 का नाम देते हैं, फॉर्मूला रहेगा y2 − y1 / x2 − x1। अब की बार मैंने बोला ए सी, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, चलो निकालते हैं, -1 − 4 − 1 − 4 डिवाइड बाई -1 − 4, ये आ गया 5/5, ठीक है, माइनस माइनस का, और ये 1 हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो आपके पास तीन तरह की स्लोप है, तो देखो कहीं ना कहीं कोई सी दो स्लोप का मल्टीपल -1 आ रहा होगा। तो देखो m1 का आंसर -1 है, और m2 से तो कोई मतलब नहीं है, फालतू है। m3 का आंसर देखो 1 है, तो आप यहां बोल सकते हो, हेयर आप यहां बोल सकते हो कि m1 की मल्टीप्लाई अगर m3 में हो रही है तो रिजल्ट -1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि m1 कौन है, ab, और m3 कौन है, ac। इसका मतलब यह है कि ab परपेंडिकुलर है ac के, और अगर ट्राइंगल में कोई परपेंडिकुलर बन जाए इसका मतलब प्रूफ हो गया क्या, हेंस ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, इस तरह से प्रूफ हो जाता है, ओके जी। तो क्वेश्चन देखो कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसने लिखा है फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। देखो बात कर रहे हैं वाई एक्सिस से, ठीक है, लेकिन हमें थीटा चाहिए होता है एक्स एक्सिस से, तो बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जरा इसका मतलब समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है, डायग्राम जरा ध्यान देखना। इसने कहा ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज गया यानी ऐसे, और एक लाइन कोई होगी, इसके बीच का एंगल बन गया 30 डिग्री, ये इसने कहा है, ठीक है, ये कोई लाइन है हमारी, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस ये रही, ये वाई डैश है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरह से जाएगा, एंगल बना 30। लेकिन हमें स्लोप निकालने के लिए आपको मालूम है एंगल चाहिए होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये वाला एंगल हमें कंप्लीट चाहिए होता है। तो जब तक हमें ये रेड वाला एंगल नहीं मिलेगा हम स्लोप नहीं बता सकते। तो आपको ये तो मालूम है ना, देखो इतना एंगल कितना है, ये वाला, ये तो 90 डिग्री का एंगल है ना, तो 90 डिग्री का एंगल ये रहा और 30 का ये रहा, तो 90 + 30 का देखा जाए तो ये पूरा एंगल हो गया यहां से लेके यहां तक, ये 90 + 30 हो गया, 90 ये, 30 ये, ठीक है। तो यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल 90 + 30, हमें निकालना है स्लोप। स्लोप m होता है, m का फॉर्मूला tan थीटा होता है। अब बात आती है tan वाला क्यों लगा, क्योंकि एंगल दे रखा है, मैंने कहा था ना जैसा कुछ दे रखा होगा उसी हिसाब से डील करना पड़ेगा। तो यहां आपको एंगल दिया हुआ है तो स्लोप का फॉर्मूला एंगल वाला लगेगा, पॉइंट पॉइंट वाला नहीं लगेगा। सारे फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। सारे फॉर्मूले पहले लिख लो एक पेपर पे, तब इस वीडियो को आगे बढ़ाना। तो m इज इक्वल टू tan, ऐसे ही थीटा की वैल्यू पुट कर दो, 90 + 30, ठीक है। अब जिन्होंने टिक्नोमेट्री की वीडियो देख ली है उन्हें पता होगा tan 90 + 30 माइनस का cot 30 होता है। माइनस का क्यों होता है, क्योंकि बात आ गई सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है इसलिए माइनस का हो गया।
और कॉट 30 की वैल्यू आपको मालूम होगी रूट 3 होती है, तो दिस इज द स्लोप, ठीक है, ये स्लोप हो गई। अच्छा जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ये वही बात आ गई, देखो तीन पॉइंट दे रखे हैं, पहले पॉइंट का नाम रख दो ए जो एक्स कॉमा माइनस वन है, दूसरे का नाम रख दो बी जो 2,1 है, और तीसरे का नाम रख दो सी जो 4,5 है। इसने कहा ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो ऐसा करके बोल दो कि इसकी स्लोप जो एम वन है और इसकी स्लोप जो एम टू है वो इक्वल होगी। भाई कोलिनियर या पैरेलल में स्लोप इक्वल होती है, अभी अभी बता के हटाऊं, तो आप यहां पे लिख दो कि एम वन इज इक्वल टू एम टू, एम वन निकलेगा इन दो पॉइंट से, ठीक है, वन माइनस वन, वन माइनस वन तो प्लस हो जाएगा, ऐसे टू माइनस एक्स। फॉर्मूला यहाँ पॉइंट पॉइंट वाला लग रहा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। यहां भी लगाओ 5 माइनस 1, ठीक है जी, 4 माइनस 2, ऑल राइट। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस x, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा 2, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x की वैल्यू 1 आएगी, तो दिस इज द रिजल्ट। तो ये दो तीन क्वेश्चन थे जो आपने अभी अभी सीखे, ओके। फॉर्मूले पहले पेपर पे लिख लो फिर आगे बढ़ना। देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10, पहले 9 पढ़ते हैं। इसने कहा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, शो दैट पॉइंट दिस 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 एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम का वर्टिसेस प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले देखते हैं, पैरेललोग्राम का डायग्राम कुछ इस टाइप से होता है, ये बन गया आपका पैरेललोग्राम का डायग्राम। पहले पॉइंट को नाम दे दो ए का जो है माइनस टू माइनस वन, दूसरे पॉइंट को नाम दो बी का जो 4,0 होगा, तीसरे का नाम 3,3 और चौथे का नाम डी पॉइंट रखो, इसका नाम होगा -3,2, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहले इसकी नेमिंग कर दी चार पॉइंट्स की, ठीक है जी। कह रहा है प्रूफ करो ये वर्टिसेस पैरेललोग्राम का है। देखो पैरेललोग्राम की एक फीचर है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती है, अपोजिट लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल। तो इसकी स्लोप स्लोप को बोल दो एम वन, इस लाइन की स्लोप को, इस लाइन की स्लोप को बोल दो एम टू, इस लाइन की स्लोप को बोलो एम थ्री और इस लाइन की स्लोप को बोलो एम फोर। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये स्लोप इक्वल होनी चाहिए, यानी M1 का स्लोप और M3 का स्लोप इक्वल होना चाहिए, ऐसी M2 और M4 की स्लोप इक्वल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला इसने यूज करने को मना किया हुआ है। तो स्लोप निकालना आपको आता है, M1 कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी ये x1 y1 ये x2 y2, तो 0 माइनस 1 तो 0 प्लस हो जाएगा, वो माइनस पहले से ही है, और 4 माइनस 2 तो 4 प्लस हो जाएगा, यानी 1/6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप M2 निकाल लेना इन दोनों की मदद से, मैं डायरेक्ट यहां पर आपके लिए लिख देता हूं, वो आएगा माइनस का 3। M3 निकाल लेना आप इन दोनों की मदद से, ठीक है, M3 आपका आ जाएगा 1/6 और M4 निकाल लेना आप इन दोनों की हेल्प से, M4 आपका आ जाएगा कितना, माइनस का 3। तो आप यहां क्लियर कट देख सकते हो कि M1 इज इक्वल टू M3, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल हो गई किसके, सी डी के। ऐसी देखो M2 इज इक्वल टू M4, इसका मतलब बी सी पैरेलल है किसके, ए डी के। तो हेंस प्रूफ हो जाता है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप, ऑलराइट। तो नोट करो इसको अच्छे से, ये सारा काम आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा जो मैंने डायरेक्ट लिखा है। 10 क्वेश्चन जरा देखिए, इसने कहा फाइंड एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस और लाइन जॉइनिंग पॉइंट 3,-1 और 4,-2। तो पहले इसको प्लॉट करो, 3,-1 कहाँ होगा, 1, 2, 3, -1 यहाँ कहीं होगा, आइडिया से नाम देना है 3,-1, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखो 3,-1। अगला पॉइंट कितना है, 4,-2, 4 यानी ये 3 है तो 4 यहाँ होगा, माइनस 2 यहाँ कहीं हो गया, ठीक है, इसका नाम रख दो बी 4,-2। इसको जब मैं मिलाऊंगा स्केल से तो कुछ इस तरह से मिलती हुई जाएगी लाइन ए लाइक दिस, ठीक है, ये थोड़ी सी रोमांटिक हो गई मेरी लाइन, आप खींचना तो आपकी स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। तो इसने कहा एंगल बताओ, एंगल होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये वाला, यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है, हमें दो पॉइंट मालूम है ये वाले, ठीक है। अच्छा एक बात, मेरी बात सुनो ध्यान से, जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से स्लोप निकलेगी क्या वो इस पूरी लाइन की भी होगी, यस, क्योंकि ये पूरी तो एक ही लाइन है, स्ट्रेट लाइन है पूरी ये, ठीक है, वो बात अलग है, देखने में आपको टेढ़ी लग रही है लेकिन आप खींचोगे तो स्ट्रेट ही खींचेगी। इसका मतलब ए बी की स्लोप एक्चुअल में इस पूरी लाइन की स्लोप होगी। तो देखो इस लाइन, ये लाइन हमारी एरी और ये हमारा एक्स एक्सिस है, एंगल हम पॉजिटिव वाला कंसिडर करते हैं, तो दिस एंगल वी नीड टू फाइंड। तो मैं ऐसे करके बोल सकता हूं tan थीटा, tan थीटा स्लोप होता है ना, m इज इक्वल टू tan थीटा। बात आई
कि स्लोप की बात हो रही है तो आपने थीटा की बात क्यों करी, क्योंकि ये एंगल मांग रहा है तो इसलिए मैंने टेन थीटा की बात करी। और इज इक्वल टू मैं बोल रहा हूँ वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, मैंने साथ में ये बात भी रख दी। ये वाली बात तो मैंने इसलिए रखी ताकि इस वाली बात का जिक्र हो जाए, और ये वाली बात मैंने इसलिए रखी ताकि इन दोनों का यूज हो जाए, ये भी स्लोप, स्लोप एक ही लाइन की है तो दोनों को कंपेयर करके थीटा मिल जाएगा। तो टेन थीटा को ऐसे ही रखो, वाई टू माइनस वाई वन यानी माइनस टू और माइनस वन तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस टू प्लस वन हो जाएगा, इधर फोर और माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री हो जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू जो आएगी वो माइनस का वन। अब जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री सीखी हुई है उन्हें पता होगा टेन थीटा की वैल्यू माइनस वन होती है 135 डिग्री पे, और जिन्होंने नहीं सीखी ट्रिग्नोमेट्री अभी तक तो वो याद रखें कि टेन थीटा की वैल्यू माइनस वन जब होती है जब थीटा 135 डिग्री होता है। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है, दो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है आपको। कॉन्सेप्ट आ गया गाइस, नया कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट वन। मान लो एक ये कोई लाइन है इसका नाम है लाइन वन, और ये कोई लाइन है इसका नाम है लाइन टू। देखो ये है एंगल बिटवीन टू लाइंस थीटा, ठीक है भाई, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। लेकिन कोई बच्चा अगर बोले कि सर ये भी तो एंगल हो सकता है, तो अगर ये भी तो एंगल हो सकता है, इसे बोलूं मैं थीटा टू तो ये भी थीटा टू होगा। इसका मतलब दो लाइन अगर बन रही है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो एंगल दो हो सकते हैं, जितना ये होगा उतना ये वाला भी होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जितना ये उतना ये। तो कॉन्सेप्ट का नाम है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये फॉर्मूला याद रखना है, आगे जाके भी काम आएगा। तो फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2। देखो लाइन वन की स्लोप को m1 बोला गया है और लाइन टू की स्लोप को m2 बोला गया है, सारा काम स्लोप से होगा, अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, और ये रखा जाएगा मॉडुलस के अंदर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इन मॉडुलस। अगर मॉडुलस हटता है, अगर मॉडुलस हटता है तो मॉडुलस जब भी हटेगा ध्यान रखना एक बार तो पॉजिटिव आएगा, इसके आगे पॉजिटिव आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, और एक बार इसको ऐसे बोल सकते हैं नेगेटिव आएगा, तो इसके आगे जब नेगेटिव आएगा ना तो ये नेगेटिव जब अंदर जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा m2 माइनस m1। ये मॉडुलस हटने का फर्क है, ये मैंने बताया था चैप्टर सिक्स के अंदर। तो यानी अब बात आती है सर tan थीटा के दोनों फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, यस, क्योंकि देखो इससे एक एंगल निकलेगा और इससे दूसरा एंगल निकलेगा, दो लाइन के बीच में हमेशा दो एंगल बनते हैं, तो दोनों फॉर्मूले लगाने हैं, एक बार m1 माइनस m2, एक बार m2 माइनस m1, या तो इन दोनों को इस तरह से अलग अलग लिखो, और अगर एक साथ लिखना है तो मॉडुलस में लिखते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, मतलब दो तरह की लाइन यहां पर है, ठीक है, एक की स्लोप दूसरे की डबल है, ठीक है जी। इफ टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टेन थीटा, टेंजेंट जहां लिखा आएगा उसका मतलब टेन थीटा समझना आप लोग, टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज वन अपॉन थ्री, मतलब टेन थीटा की वैल्यू वन अपॉन थ्री है, तो कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन्स, दोनों की स्लोप बताओ। तो आप यहां पे लेट कर सकते हो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, जो पहली लाइन है उसकी स्लोप को थीटा मान लो, या सॉरी उसकी स्लोप को आप मानो एम, और स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, और जो सेकेंड वाली लाइन है ठीक है उसकी स्लोप को मानो आप 2m, दो स्लोप हो गई। इसने कहा टेंजेंट, टेंजेंट मतलब tan थीटा, वो 1 अपॉन 3 इसने दिया हुआ है, और tan थीटा का फॉर्मूला अभी अभी आपने पढ़ा है एंगल वाला, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस या m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये आपने इधर लगा दिया। tan थीटा को हटाओ, इसकी जगह 1 अपॉन 3 रखो, ठीक है, मॉड्यूलस m1 की वैल्यू कितनी है m, ये कितना है 2m, अपॉन में कितना है 1 प्लस m, और m2 की जगह 2m, इस तरह से मैंने वैल्यू रख दी, ये m1 है और ये m2 मैंने पुट कर दिया, ठीक है। आगे देखो 1 अपॉन 3 एज इट इज, ये हो गया जी। अब ये, अब देखो यहां पर ना एक बात है, यहां पर बात ये है कि ये आपका हो गया जैसे m में से 2m माइनस हुआ तो माइनस का m आ गया, और ये हो गया 1 प्लस 2m स्क्वायर, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। देखो यहां से दो बातें होंगी, मैंने कहा ना जब मॉडुलस हटेगा, तो मॉडुलस जब हटेगा तो इस तरह से करना है 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू, मॉड जब हटेगा तो एक बार तो एज इट इज ले लो, मतलब ये वैल्यू जैसी होती है वैसे की वैसे लेते हैं, क्योंकि बाहर प्लस होता है तो प्लस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस एम अपॉन वन प्लस टू एम स्क्वायर, ठीक है जी। और एक बार जब मॉड हटेगा तो नेगेटिव ले लो, जब यहाँ नेगेटिव लगाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो जब भी मॉडुलस हटता है तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव इक्वल में जब होता है तो लेते हैं, ऐसा चैप्टर सिक्स में हमने देखा था। अब कर दो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई,
क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो रिजल्ट आने वाला है इधर से वो आएगा 2m² + 3m + 1 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएंगे तो m की वैल्यू दो निकलेंगी, एक माइनस वन और एक माइनस का हाफ। ठीक है, यहां से सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, 2m² - 3m + 1 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिट होने के बाद m की वैल्यू एक वन आएगी और एक हाफ आएगी। इसका मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, पहली लाइन की स्लोप माइनस का हाफ, ठीक है, और स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, ठीक है, दूसरी लाइन का स्लोप = -1। रीजन, पहली लाइन का स्लोप जो भी है सेकेंड उसका डबल है। तो देखो ये मैंने माइनस का हाफ लिया, जब इसका डबल करूंगा टू से मल्टीप्लाई तो माइनस वन। ठीक है, ऐसे ही मैं यहां पर भी लिख दूंगा, तो आप लिख देना इसे, ये CYS है। तो ये था क्वेश्चन। अच्छा जी, देखिए दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, कॉन्सेप्ट सारे वही है। क्वेश्चन नंबर 13 पहले पढ़ते हैं और समझते हैं, ध्यान से देखो। इसमें बोल रहा है अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, मतलब कोई लाइन है ये भी जिसका एक पासिंग पॉइंट है x1, y1 और एक पासिंग पॉइंट है h, k। पासिंग पॉइंट मतलब कहीं भी हो सकते हैं वो लाइन के ऊपर, या लाइन आगे भी जा सकती है, दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। और स्लोप ऑफ द लाइन इज m, इसकी स्लोप कितनी है, m है। तो इसने कहा शो दैट, ये जो देखो नीचे एक्सप्रेशन है ना, टू प्रूफ, हमें करना है प्रूफ। तो टू प्रूफ में हमें लाना है k - y1 = m और h - x1, ये हमें करना है प्रूफ। तो देखो ये क्वेश्चन कितना हल हुआ है, ध्यान से देखना। ठीक है भाई, आपको मालूम है सॉल्यूशन कि स्लोप m, m निकालने का फॉर्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1। ऑलराइट, m रखो एज इट इज, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 पुट कर दो, यानी k - x1 हो गया और इधर क्या आ गया k - y1 हो गया गाइस। ठीक है, और इधर हो गया h - x1। ठीक है जी, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन वन लेट करके, तो क्रॉस होगा तो ये आ जाएगा k - y1 = m इधर, और ये हो जाएगा h - x1। देखो वही एक्सप्रेशन तो आया जो आपको प्रूफ करना था, ये वाला। तो देखो कितना हलवा क्वेश्चन था, तो हैंस प्रूफ। तो ऐसा क्वेश्चन वन मार्क्स वगैरह में आ जाता है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करके क्रॉस करो, यू विल गेट योर रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर देखो 14, ये 13 था, कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 12 था गाइस। ठीक है, अब देखो 13 क्वेश्चन, ध्यान से देखो जरा। क्रैफ थ्री पॉइंट दिस 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 लाई ऑन अ लाइन शो दैट, यहां पर भी प्रूफ करना है। इसका मतलब तीन पॉइंट है, तो कोलिनियर बोला हुआ है इसने एक टाइप से, h, 0, कोई बी पॉइंट है a, b और कोई सी पॉइंट का नाम दिया हमने इसको 0, k। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है और प्रूफ करना है a / h + b / k = 1। ठीक है, तो अगेन कॉन्सेप्ट हमें मालूम है कि स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप इक्वल होगी स्लोप ऑफ बी सी की स्लोप के। न्यूमेरिकल भी हमने इसके ऊपर अभी किया था, तो स्लोप निकाल लेते हैं b - 0, अरे y2 - y1 / x2 - x1, तो b - 0, ठीक है, अपॉन में a - h, कुछ ऐसा आ गया, ब्रैकेट लगाए रखना, और यहाँ k - b, ठीक है जी, अपॉन में 0 - a, 0 - a आ गया, क्रॉस कर दो इसकी इसमें होगी तो आ जाएगा आपका कितना, पहले इसकी इसमें कर दो तो ये हो जाएगा ak - ab - hk + hb और ये हो जाएगा -ak। ठीक है, देखो ak वाले कर लो एक तरफ, ये ak है ना, या देखो कुछ कट सकता है, ये मैंने गलत लिख दिया इधर, एक्चुअल में मल्टीप्लाई जब होगी तो -ab होगा, तो -ab से -ab हो जाएगा कट। ठीक है, अब आंसर देखो, आंसर में आपको क्या चाहिए, आंसर में आपको a और b ऊपर चाहिए, तो ये ak और hb इधर रोक लो, और ये जो hk आपको दिख रहा है ना, नेगेटिव का hk, ध्यान से देखो ये वाला, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो देखो ये प्लस का हो गया। अब कर दो आप डिवाइड बाय एच के बोथ साइड। बात आती है ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंसर की रिक्वायरमेंट है। तो आप खुद सोचो, जब ये hk इसके अपॉन में आएगा तो ऐसा बनेगा ना ak / hk, ठीक है, प्लस यहाँ आएगा hb / hk, ठीक है, और यहाँ डिवाइड होगा hk / hk, तो 1। तो आई थिंक आपका आंसर आ चुका है, ध्यान से देखो, कट गया k से k, तो a / h आ गया, और यहां देखो b / k = 1। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, कॉन्सेप्ट वही है, नई कोई बात नहीं आई इसके अंदर, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मूले अच्छे से याद करो। क्वेश्चन देखिए गाइस 14, देखो आपको इसमें ग्राफ बना के दिखाया हुआ है और बोला है कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर, है ना, 10.10 फिगर में, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी की स्लोप पहले तो निकालनी है। ठीक है,
और इसके बाद का है यूजिंग इट फाइंड व्हाट वैल्यू व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, ये इसने कहा है। तो ठीक है, तो देखो मैं आपको इसमें क्या करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा रहा हूँ अब, तो क्वेश्चन मैंने हटा दिया। ठीक है, अब देखो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली कुछ इस टाइप से। पहला पॉइंट अगर आपको याद हो तो उसका नाम था ए, जो था 1985, 92, और दूसरा पॉइंट अगर आपको याद हो डायग्राम में तो वो था बी 1995, 97। ठीक है, और इसने कहा है 2010 में बताओ, यानी कोई सी पॉइंट यहां रहा होगा जिसमें 2010 तो मालूम है लेकिन ये वैल्यू नहीं मालूम, तो उसको नाम दे दो आप वाई का, तो हमें ये बताना है। तो पहले तो इसने स्लोप मांगा है, तो स्लोप तो आप निकाल सकते हो, स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन को हम एम बोल देंगे, वो निकलेगा कैसे, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो हम इन दोनों की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये नोन है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला 97 माइनस 92 वाई टू माइनस वाई वन अपॉन 1995 माइनस 1985, जो भी आएगा वो आपका स्लोप आ जाएगा, खुद निकाल लेना। ठीक है, सी वाई एस कंप्लीट योर सेल्फ। इसके बाद इसने कहा है 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी, तो लेट कर लो पॉइंट सी, वो 2010, y होगा। देखो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, मतलब कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो मैं यहां पर इस तरह से बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, है ना। तो ए बी की स्लोप तो अभी अभी आपने निकाली है, मैं दोबारा लिख देता हूं 97, 92 और 1995 माइनस 1985 इज इक्वल टू, इसकी भी स्लोप निकाल लो, y माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995। तो इसको सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, तो आप ये खुद सॉल्व करें कंप्लीट योर सेल्फ। ठीक है जी, तो ज्यादा मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, देखने में डिफिकल्ट है, होने में इजी है, कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए आपको। लेकिन गाइस कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप इनको ट्राई करना। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 2 लिखा हुआ है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 5/4, स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, फाइंड स्लोप ऑफ अनदर लाइन। ठीक है, तो tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2 वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, इसके दो आंसर आएंगे, एक आएगा 3, एक आएगा माइनस 1/3। आंसर ध्यान से सुन ले, 3 और माइनस 1/3। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल, लाइन थ्रू द पॉइंट माइनस 2.6 एंड 4.8 आर परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू द पॉइंट 8.12 x.24। तो दो पॉइंट है, पहले दो पॉइंट से स्लोप निकालो m1, दूसरे दो पॉइंट से स्लोप निकालो m2, और दोनों की मल्टीपल माइनस 1 के इक्वल रखो क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, सॉल्व करने पर इसकी में x की वैल्यू आएगी 4, तो इसको भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टडी हार्ड।